हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पर हम हर एक विषय पे जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और हर एक पहलू पे प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। मिश्र सभ्यता की, तो कहते हैं मिश्र सभ्यता भी अपने आप में एक अनूठी थी। मिस्र को अक्सर जो है नील नदी का तोहफा कहते हैं, क्योंकि नील नदी के पास मिला था, इसलिए मिस्र को जो है नील नदी का तोहफा भी कहा जाता है, जो बिल्कुल सही भी है। हर साल नदी में बाढ़ आती है और उसके किनारे जनमगन भी हो जाती है। हर साल बाढ़ आती है, देखिए बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। और वहाँ गाढ़ की एक मोटी तह जम जाती है। आपको पता है जब बाढ़ आती है तो अपने साथ जो है मिट्टी के भी लेके आती है, जिसे हम गाढ़ कहते हैं, जो ज़मीन को बेहतर उपजाऊ बना देती है। कहते हैं अगर किसी क्षेत्र में बाढ़ आती है तो उसके बाद वहाँ पर उपजाऊ जो है दुगुना तिनगुना से बढ़ता है। क्यों? क्योंकि अपने साथ जो बाढ़ आती है अपने साथ उपजाऊ मिट्टी भी लेके आती है। इसलिए मिस्र में जो है इसको नील नदी का तोहफा ही कहा जा सकता है। और इस तरह वहाँ जो है बारिश नहीं के बराबर होने के बावजूद भी किसान अच्छी फसल उगाते हैं। देखिए वहाँ पर बरसात नहीं भी हो रही है, फिर भी जो है किसान अच्छी फसल उगा लेते हैं। प्राचीन मिश्रवासियों ने बढ़िया सिंचाई प्रणाली भी विकसित कर ली थी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। कहते हैं जैसे समय काल बीतता है, उन्होंने जो है प्राचीन मिश्रवासियों ने बढ़िया सिंचाई प्रणाली विकसित की थी, जो कि उस समय का सबसे महत्वपूर्ण पद्धति थी। अब देखिए ईसा पूर्व अगर हम 3100 तक मिश्र एक राजा के अधीन आ गया, यानी कहते 3100 तक जो है मिश्र राजा के अधीन हुआ करता था। और मिश्रवासी अपने राजा को जो है भगवान मानते थे, यानी वो जो है अपने को भगवान मानते थे, उनके राजाओं को भगवान माना करते थे। और मिश्र राजाओं को जो है फराओ कहा जाता था, यानी उनका नाम मिश्र के राजाओं को फराओ के नाम से जाना जाता था। वे देश पर राज करते थे और साम्राज्य की स्थापना के लिए जंग हमेशा लड़ा करते थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी। फराओ की सेवा में मंत्री अधिकारी हुआ करते थे। फराओं के सेवाओं के लिए मंत्री और अधिकारी हमेशा नियुक्त हुआ करते थे। वे जमीन का प्रशासन चलाते और राजा के आदेशों के अनुसरण भी वसूल करते थे। समाज में पुरोहितों का भी एक ऊंचा और सम्मानजनक स्थान था, जो कि हर एक समय काल में हमें देखने को मिला। हर कस्बे या शहर में मंदिर एक खास देवता को समर्पित हुआ करता था। और प्राचीन मिश्र लिपि जो है काफ़ी महत्वपूर्ण थी, जिसको चित्रलिपि या चित्र अक्षर भी कहते हैं। चित्रलिपि और चित्र अक्षर जो हम आगे देखेंगे काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। व्यापारी और सौदागर समुद्री और जमीनी दोनों तरह के व्यापार किया करते थे। मिश्र में जो है संगत रास, बढ़ाई, लोहार, चित्रकार और कुम्हार जैसे कुशल मजदूर भी हुआ करते थे। प्राचीन मिश्रवासियों को गणित की, खासकर जो है रेखा गणित की अच्छी जानकारी थी, यानी रेखा गणित का उनको बहुत ही नॉलेज हुआ करता था। उन्हें माप तौल की भी खास जानकारी हुआ करती थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था जो है मिश्र की सभ्यता ने हमें भी दिया। अब देखिए यहाँ पर जो है मिश्र सभ्यताओं का जो है कुछ हेरोग्राफिक्स आपको नज़र आ रहा होगा। इसमें देखिए उनका कुछ इस तरह से जो था ABCD को रिप्रेजेंट करने का तरीका हुआ करता था। जैसे बर्ड, देखिए चिड़िया जो है ए का है, पैर जो है बी का शकल है, जो कहते हैं जो छतरी का जो डंडा होता है उसको सी के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है, और हाथ को डी। उसी प्रकार जो है इसको शब्दों को यहाँ पर पिरोया गया था। इवन सांप जे होता है, लॉयन के शेप देखिए एल के रूप में है, और जिगजैग देखिए एन के शेप में, और भी है, चलिए देखते हैं। देखिए और भी आपको नज़र आ रहा होगा, जैसे बीन की शेप में जो बनाई गई है जेड है, दो खिड़कियों के बीच में वाई बनाई गई है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण लिपि थी। इसको आप भी समझ सकते हो कि अगर ऐसे लिपियाँ होगी तो किसका क्या मतलब होगा, आप बेखूबी समझ सकते हो। तो ये हेरोग्लिफिक्स लिपि है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि मिश्र की सभ्यताओं की देन है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखता है। कहते अगर हम बात करें फ्रांस ने प्राचीन विश्व को महान स्मारक पिरामिड भी बनवाए, तो वो लोग जो थे काफ़ी पिरामिड भी बनवाए, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। कहते हैं मिश्रवासी मौत के बाद जिंदगी पर यकीन करते थे, और इसलिए उन्हें शवों को संरक्षित रखना जो विचार किया, और इस संरक्षित शवों को जो है ममी कहा जाता है। पिरामिड के मृत राजाओं को जो है ममी किए गए शवों को रखने के लिए जो है मकबरों के रूप में भी बनाया गया, जिसे इजिप्ट भी कहा गया। कहते हैं उस समय ये लोग जो है आत्माओं पर विश्वास करते थे और जिंदगी पर भी विश्वास किया करते थे, इसलिए शवों को जो है वो लोग जलाते नहीं थे, वो जो है ममी बना के जो है
पिरामिड में रखते थे। और दफनाने के कारण क्या होता था, इनके बॉडी के सारे जो है नमी ख़त्म हो जाती थी और ये नमी जो है लाखों लाखों साल तक ये लोग संरक्षित कर लिया करते थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थे, इनको पिरामिड के मृत राजाओं को ममी भी किया गया, शव को रखने के लिए मकबरे का रूप भी बनाया गया, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था और काफ़ी ज़रूरी था मिस्र की ये सारे कल्चर।